हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्लास 12th एनसीईआरटी की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। तो एज वी नो, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यूजुअली जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से रिवाइज करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं है, गैमेट नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसमें जो सेल डिवीजन है, ओनली माइटोसिस देखने के लिए मिलता है, मियोसिस सेल डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है जैसे आपका फिशन। तो फिशन में यूजुअली अगर हम लोग देखें तो एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है आपका मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन में एक आपका सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स फिशन और आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशन। ठीक है, जो आपका सिंपल बाइनरी फिशन है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीवा, यानी कि अमीवा जो है एक कंप्लीट जो अमीवा है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और वो जो टू इक्वल पार्ट्स हैं वो डिफरेंट न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे। फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका युगलीना। युगलीना की बॉडी लॉन्गिट्यूडनली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और दोनों डिफरेंट न्यू इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव करेंगे। फिर आपका ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैरामीशियम एंड द प्लेनेरिया लार्वा, और उसमें क्या होगा, बॉडी ट्रांसवर्सली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल फिशन की, तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना होकर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका एक एग्जांपल अमीबा भी आता है, और जो दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है वो इसका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, यानी कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोन, वो एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है आपका बडिंग। बडिंग में क्या होता है बेटा, कि आपका कोई भी जो इंडिविजुअल जिसमें बडिंग देखने के लिए मिल रही है, उसमें एक छोटी सी बड लाइक स्ट्रक्चर उसकी बॉडी से निकलती है और फेवरेबल कंडीशन आने पे वो बड अलग हो जाती है और एक डिफरेंट न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती है। यूजुअली जो बडिंग होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल बडिंग और एक इंटरनल बडिंग। जो एक्सटर्नल बडिंग होती है उसका एग्जाम्पल है आपका ईस्ट हो गया, साइकन हो गया, हाइड्रा हो गया, जो बहुत कॉमन है। बट जो इंटरनल बडिंग होती है यूजुअली उसका जो एग्जांपल है वो आपके स्पॉन्जेस हैं, और उसमें क्या होता है कि स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर ही फेवरेबल कंडीशन में छोटे 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 जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं और वो बॉडी से सेपरेट होकर एक न्यू स्पॉन्जेस की तरह बिहेव करती हैं। फिर है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन में कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का कोई अगर एक फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ और उस फ्रेगमेंट से क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली जो फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है वो एल्गीज लाइक स्पायरोगायरा में बहुत कॉमन है, फंगसेस राइजोपस में कॉमन है। उसके अलावा जो लोअर कैटेगरी प्लांट्स हैं लाइक आपके ब्रायोफाइटा ग्रुप के और टेरिडोफाइट्स, उसमें भी ये कॉमनली देखने के लिए मिलता है। फिर आपका जैमा फॉर्मेशन। जैमा फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, या तो यूनिसेलुलर या मल्टीपल सेलुलर छोटे छोटे सेल के प्रोपेग्यूल्स निकलते हैं, और ये प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन आने पे न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मार्केंशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं फिर रीजनरेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यूजुअली बेटा अगर रीजनरेशन को देखें तो जितने भी लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें रीजनरेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बट जितने भी हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो रीजनरेशन है उसको अपन सेक्सुअल, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसी के बिहाफ पे जो रीजनरेशन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मॉर्फोलैक्सिस और एक होता है एपीमॉर्फोसिस। तो जो मॉर्फोलैक्सिस है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसमें कोई भी बॉडी का एक पार्ट ब्रेक होगा या सेपरेट होगा और उस एक छोटे से पार्ट से ही पूरा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पॉन्जेस। ठीक है, लेकिन जो आपका एपीमॉर्फोसिस होता है वो आपकी हायर कैटेगरी एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा छिपकली, देखिए लिजर्ड सबने देखी होगी ऑब्वियसली, तो वो जो छिपकली होती है ना, जैसे कभी आप उसको भगाते हैं या धोखे से उसका टेल ब्रेक होके गिर जाता है ना, जो हिलता रहता है बहुत देर तक, तो कुछ टाइम बाद आप उस छिपकली को देखोगे कि उसका नया टेल रीजनरेट हो रहा है। तो दैट मीन्स एपीमॉर्फोसिस में क्या हो रहा है कि कोई भी बॉडी का जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट हुआ, पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं हुई,
बट जब हम रीजनरेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कंसिडर करते हैं, मॉर्फोलेक्सिस की कैटेगरी में रखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक स्मॉल पार्ट से ही पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पोरुलेशन, तो स्पोरुलेशन में क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे स्पोर्स बना लेगा, और वो स्पोर्ट्स लाइक आपके जू स्पोर्ट्स होंगे, कोनिडिया होंगे, उडिया होंगे, और वो स्पेसिफिक टाइम आने पे, फेवरेबल कंडीशन आने पे न्यू इंडिविजुअल को जर्मिनेट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, इसको एसेक्सुअली भी हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें यूजुअली ये प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, और इसको एसेक्सुअली इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट्स को ही कंसीडर करते हुए हम न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करा सकते हैं। ये प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा लेंथी है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।